कोई प्राकृतिक आपदासों नीचा को मंदिर प्रतिमा की गोद में समागो हो खुदाई करियो तो बाबा श्याम को प्राचीन मंदिर नीचे निकलियो। राम राम जी, मैं खुशबू झील को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे श्री माधोपुर तहसील के अंदर बैठे हूँ। आप श्री माधोपुर चला हाँ तो अजीत गढ़ रोड पर 13-14 किलोमीटर की दूरी पर इजा मुंडरू गांव पड़ा है। मुंडरू गांव में आप पहुंचे, मेरे पीछे देख सको कि बहुत ही प्यारो आलिशान मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, श्याम मंदिर है मुंडरू गांव को। और ये गांव को भी मुंडरू नाम है और मंदिर का नाम भी श्याम मुंडरू का नाम ही जानो जा है। तो ये मुंडरू नाम क्यों पड़े हो, जो श्याम जी की कहानी है बापा जोड़ा का पंडित जी ही बाऊ जाड़ांगा और मंदिर को जो रहस्य है, मंदिर की जो कहानी है बा बताऊंगा और आज थाने श्याम जी जो मुंडरू का श्याम जी ही बा का दर्शन करवाऊंगा। श्याम जी को मंदिर अठे प्रवेश होगा हाँ, तो जो मंदिर को नजारो है वो थाने देखने मिल रहे हो, अति सुंदर नजारो है। और अपा सौ पहली मंदिर में आता ही सीधी अपनी नज़र श्याम जी का मंदिर पर पड़ा है कि श्याम जी को जो मंदिर थे सामने देख रहे हो, अति सुंदर मंदिर है। देख रहे हो कि काफ़ी प्यारी सजावट कर रखी है, पास में ही मोरपंखी रख रखी है, नीचे छोटा लड्डू गोपाल भी ही, गणेश जी की मूर्ति भी है। सौ पहली देख भाई सालासर बाबा का इजा दर्शन कर लो, फोटो लगा रखी है। फिर इजा श्याम बाबा ही बस श्री कृष्ण ने आपको दान दे रहे हैं और ये विराट स्वरूप दर्शन ही इजा श्याम जी ही वह पहाड़ी पर बैठ के देख रहे हैं। महाभारत को युद्ध है वो चल रहे हो। अब किशोक लागे थे इजा मंदिर, इजा मुंडरू गांव का ही है ना हाँ। तो मंदिर में कितनी बार आ जाओ दिन में? 2-3 बार। फिर किशोक लागे जब मंदिर जब थारी एग्जाम वगैरह हुई तो मंदिर को प्रार्थना मांग के जाओ, श्याम जी को कुछ मांग के जाओ, तो फिर वह हुआ है पूरी हाँ। की बोल के जाओ जब एग्जाम आओ? मन पास कर जो। मन पास कर जो, पास ही कर जो या बढ़िया नंबर ले जो? बढ़िया नंबर ले जो। अच्छा अच्छा, बढ़िया नंबर अगले तो पटकी भी जाना पड़े, पटकी जाओगे? अच्छा। जय श्री श्याम। जो मूर्ति है वह श्याम जी के ऊपर भी है, बस सामने देख सको यह श्याम जी की जो प्रतिमा है बहुत प्यारी मूर्ति है। अठे भी मूर्ति ने सजा रखी है, मूर्ति का आगे दरवाजा की जगह शीशो लगा रखी है। दरवाजो ये भी है शीशो है क्योंकि इन खोली होनी जल्दी सी के है कि कई बार मान चल जाए और वह तो थोड़ा सही हो रही। जहाँ अभी बात करना तो जहाँ मरम्मत भी चल रही है, यो मंदिर काफ़ी वर्षा पुराना है, काफ़ी वर्ष पहले जाए को काम हुए हो और श्याम जी का दर्शन ही सब कर लीजो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो अठे की जो मुंडरू नाम कहें पड़े हो, एक तो बीका बारा में बता दो, और जो अठे की कहानी है वह अपने दर्शकों ने जरूर बताओ क्योंकि ये कहानी है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बाबा श्याम का नाम से गांव को नाम मुंडरू पड़े है। अच्छा, नहीं बताओ की द्वंती है, मुंड के नाम से मुंडरू बना हुआ है, रीढ़ के नाम से रिंगस बना हुआ है, खड़ाऊ के नाम से खाटू बना हुआ है। बाकी जहाँ भी होती है बाबा की शीश की पूजा होती है। विक्रम संवत 1656 को बनेडो श्याम मंदिर, संभवतया श्याम मंदिर में सबसे पुराना मंदिर है। कोई प्राकृतिक आपदा सो नीचा को मंदिर प्रतिमा की गोद में समागो हो, जो लगभग 1982 के बरसात का पानी सो जमीन सो निकले हुए। तो बी टाइम पर मेरी यहाँ सुनड़ी है कोई जा हलचल रहे हो बेरो ना बारिश को पानी क्यों हुई हो बरसात को पानी दरवाजा में घुसर खाड़ो बनो बी बाद में मालूम चल। फिर इजा के करियो गयो मान लो कि कहीं पता लगयो कि श्याम जी की ही मूर्ति है, खुदाई करियो तो बाबा श्याम को प्राचीन मंदिर नीचे निकलियो। और जो वो नीचे मूर्ति है वह मैन मूर्ति पाई है किसी? मैन मूर्ति बाबा श्याम की ऊपर ले आया, ऊपर विराजमान कर देने। अच्छा, ऊपर विराजमान कर दी है। अभी इजा की आप बात करें तो मेलो है वो श्याम जी को कब लगा है? हर 11 ने मेलो लगे है। हर 11 ने, महीने की महीने? महीने की महीने। और प्रसाद वगैरह? प्रसाद वगैरह भी चढ़ती रहे, मनोती भी लोग लगा हुए है। जात्री जूत्री कितना किया जाए? जात्री वगैरह दिन भर चालू रहा करे। अभी थोड़ी देर पहले ही शायद बता रहा थे भी बता रहा अठे का लोग भाई दिल्ली हरियाणा पंजाब 3-4 बस दिल्ली से आईडी रोज देखो तारो रात ने वीडियो चला लियो जब 12 बजे 1 बजे। अच्छा, 1 बजे तक मेरा ही वीडियो देखो, मन बढ़िया लगे जे इंटरेस्ट जब हम जय की श्याम जा श्याम बाबा का दर्शन ही बैठे कर लिया होगा, सब धोख मारती होगी। मठे की सुंदरता की मान लो की सजावट की बात कर लूं तो बहुत ही प्यारी जो सजावट है, कांच के द्वारा जो सजावट है इजा देखा तो पत्थर में जो मकरानों जो पत्थर है भी पत्थर में जो सजावट बहुत काफ़ी प्यारी जो सजावट है वह करी गई है।
और जे की एक एक कहानी है बात सुनी भी है कि कहानी कुछ ये तरीका की है कि भाई पहले लोगों ने पतो भी को नहीं जा श्याम जी को मंदिर भी है कि कुछ और भी है कि फिर धीरे धीरे जा कि पानी को गड्ढो गो हो जब बरसात हुई तो पानी जब गड्ढो डल गो हो तो ई टाइम पर बी टाइम पर लोगों ने पतो लगे कि जा श्याम जी की मूर्ति है वह निकली इजा मुंडरू गांव में श्याम बाबा का दर्शन कुन कुन कर चुके हैं वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि लोगों तक ही यो वीडियो पहुँचे और जो कई लोग ही बस श्याम जी का मंदिर नहीं जान ही जो मुंडरू को श्याम जी को मंदिर है बिन काफ़ी लोग कम जाने ही तो बन भी जा पतो लगे कि श्याम जी की जो कहानी है बी का बारा में पतो लगे और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद जय राजस्थान।